नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा आपको नेट के लिए जो स्पेशल आपके टॉपिक हैं उनके बारे में बता रही थी, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अपना जो फर्स्ट प्रथम पेपर अनिवार्य है उसके बारे में बच्चों में अध्ययन करवा रही हूँ। उस पेपर का नाम है हमारा शिक्षण अभिवृत्ति, जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर पहला जिसका अध्याय है अनिवार्य पुस्तक का, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए, सभी विषय के बच्चों के लिए है, इसीलिए मैं इसका अध्ययन करवा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा था पहले से, मैं शिक्षण की विशेषताओं के बारे में बता रही थी और मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बोली भी थी बच्चों, क्योंकि शिक्षण की विशेषताओं में से डेफिनेटली हमारे दो या तीन प्रश्न आते हैं और जो विशेषताएं मैं बता रही थी, मैंने पहले आपको एक साथ सारी विशेषताएं बताई थी, अब मैं उनका अध्ययन आपको अंदर से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमारी जो विशेषताएं हैं उनके अंदर से ये प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। बाहर से कम जितना तक ये नेट का जो लेवल है हमारा, ये इतना उच्च स्तर का होता है बच्चों कि इन प्रश्नों को हमें अंदर से पूछे जाते हैं, साथ में वो प्रश्न हमसे घुमाकर पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि जितना हो सके मैं आपको इन चीजों के बारे में विस्तार से बताऊं। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ विशेषताओं के वर्णन, इन्हें आप अच्छे से देखें, साथ में जो आने वाले आपके दो या तीन प्रश्न हैं उनका बच्चों आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए आप इन 20 वीडियो को देखें। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको विशेषताएं, यानी कि शिक्षण की विशेषताएं, मैंने दो विशेषताएं आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी जिसमें था बौद्धिक गतिविधि और शिक्षण के प्रतिरूप। आज जो हमारी शिक्षण की विशेषता है वो है हमारे शिक्षण के विभिन्न स्तर। हम मानते हैं इस चीज को कि जब हम शिक्षण करते हैं तो वो जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो हमारे विभिन्न स्तर से होकर गुजरती है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जो ज्ञान हमें दिया जाता है उस ज्ञान को हम कितने स्तर तक ले जाते हैं या हम कहें कि वो स्तर हमारा कितने प्रकारों में डिवाइड होता है, तो उसके बारे में मैं इसमें बता रही हूँ कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। जो ज्ञान, जो शिक्षा हमें दी गई है, वो शिक्षण जो प्रक्रिया इसके अंदर हो रही है वो कितने चरणों से गुजर रही है उसके बारे में मैं अध्ययन करवा रही हूँ। मैंने बताया इसमें, देखा आपने कि शिक्षण के विभिन्न स्तर, कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं। पहला है हमारा स्मृति स्तर, सेकंड है हमारा अवबोध स्तर और थर्ड है हमारा चिंतन स्तर। ये तीन स्तर की प्रक्रियाओं से हमारी शिक्षण की प्रक्रिया इन तीन स्तरों के द्वारा गुजरती है। तो पहला हमारा स्मृति, यानी कि ये होता है हमारा जो हम ये करते हैं, डेफिनेटली लेवल ऑफ हमारी जो टीचिंग है कि शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्मृति स्तर, यानी कि हमारी मेमोरी, जो हमारा मेमोरी लेवल होता है, यानी हमने देखा है कि जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहां हमारे स्मृति पटल पर जाकर उसकी यादें, कहते हैं ना कि जब हम उस चीज, हमें ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि हम जरा सा भी स्मरण करें और वो हमें याद आ जाए, वो हमारा कहाँ होता है, उस ज्ञान की जो हमारी सीमा होती है वो होती है हमारी स्मृति, यानी कि हमारी याद में रहना। हम जिस चीज के बारे में जानते हैं तो हम देखें कि स्मृति स्तर होता है, स्मृति स्तर के अंदर हमारे शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभिक सबसे प्रथम चरण होता है, ये हमारा प्रारंभिक चरण होता है स्मृति स्तर का। और जो इस चीज को ध्यान रखना, हमारे स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो है हमारे हर्बर्ट, जो हमारे शिक्षाविद थे स्मृति स्तर के, वो कौन थे, हर्बर्ट, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमसे नेट में पूछे जाते हैं कि स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन है, तो आप बता सकते हैं हर्बर्ट, या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट ने कौन से शिक्षण, जो हमारे शिक्षण स्तर है उसको चुना, तो आप लिख सकते हैं स्मृति स्तर। मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्मृति स्तर में हम क्या करते हैं, उस चीज को कंठस्थ करते हैं, क्योंकि जो हमें अच्छे से जानते हैं हम, जिसका हमने अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है, जिसे हमने याद अच्छे से किया है, वो कहाँ जाकर रुकता है, हमारी स्मृति में, हमारे जो हमारे कहते हैं हमारे मस्तिष्क की जो स्मृति, हमारी यादें हैं उसमें ये ज्ञान हमेशा के लिए सेव हो जाता है, हमारी मेमोरी बन जाती है। फिर जब हम देखते हैं कि कई बार जब हमें वो चीजें याद आती हैं तो हम उस स्मृति में, उस याद में चले जाते हैं और वहां जाकर हमें उस चीज के बारे में दोहरान होता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि स्मृति स्तर हमारे
जाती है वो भी हमारे किसके द्वारा, क्योंकि उद्दीपन प्रक्रिया, उद्दीपन हम जानते हैं जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारे अंदर जो हाव भाव पैदा होते हैं वो हमारी उद्दीपन प्रक्रिया। तो उद्दीपन प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, स्मृति स्तर के। हमने देखा है कई बार जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जिस बच्चे को उस प्रश्न का आंसर याद होगा उसके एक्सप्रेशन हम देखते हैं, उनकी प्रक्रिया बहुत स्माइल, वो तुरंत हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन जो बच्चे उस प्रश्न का आंसर नहीं जानेंगे उन बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वो नीचे गर्दन रखेंगे या डरे हुए रहेंगे। यानी कि उनके खुद हमारे उद्दीपन प्रक्रिया जो हमारे शारीरिक हाव भाव होते हैं उन प्रक्रियाओं से होकर स्मृति हमारी पहचान करवा देती है। कई बार हम देखते हैं कि टीचर किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, जब दो बच्चों से टीचर को कैसे पता होता है कि इस बच्चे को प्रश्न याद है आंसर और इस बच्चे को, क्योंकि उसकी जो उद्दीपन प्रक्रिया है उसके माध्यम से शिक्षक उनकी पहचान कर लेते हैं। तो ये हमारे स्मृति स्तर की जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो हमारी उद्दीपन प्रक्रिया अधिगम उद्दीपन प्रक्रिया है, उसमें भी हमारा स्मृति स्तर हमारे सहायक होते हैं। इसके द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं। बाद में है कि जो हमारी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में जो हमारे प्रतिधारिता पर निर्भरता करती है वो हमारी स्मृति स्तर पर, हम हमारे इसके ऊपर निर्भर, यानी हम चाहे तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो हमारे किस पर आधारित होती है, हमारे स्मृति स्तर पर, कि हम किस तरीके से सीख सकते हैं। हमारा सीखने का लेवल, सीखने का तरीका हमारी स्मृति हमें बताती है, हमारी मेमोरी, कि हम किस स्पीड से हम उसे सीख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा स्मृति स्तर था जिसमें मैंने बताया आपको कि स्मृति स्तर में आखिर क्या क्या होता है। इसमें हम जो मूल्यांकन प्रणाली में हम जो उनके मुख्य रूप से जो मौखिक और लिखित और निबंधात्मक हम उस मेमोरी में से प्रश्न पूछते हैं स्मृति स्तर के, तो बच्चे उनका क्या करते हैं, हमें प्रति उत्तर देते हैं। आपने देखा है कि यही प्रश्न बच्चों को नहीं आते हैं तो बच्चे उसका हमें उत्तर नहीं दे पाते। सिंपल भाषा में हम यही चीज जान सकते हैं कि स्मृति स्तर हमें याद करवाती है, किसी चीज का कंठस्थ होता है और उस चीज को कंठस्थ करने के लिए हमें उस चीज का अभ्यास करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो ये था हमारा स्मृति स्तर जिसके प्रवर्तक थे हमारे हर्बर्ट, और ये प्रारंभिक चरण है हमारा, और तीसरा कि हमारे जो तथ्य होते हैं उनको कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए हमें प्रेरित करता है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारे शिक्षण अधिगम उद्दीपन प्रक्रिया है उसमें स्मृति स्तर की सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बच्चों ये हमारा स्मृति स्तर का था। अब हम बात करें हमारे अवबोध स्तर का। मैंने पहले भी बताया था कि स्मृति में हम याद करते हैं उस चीज को, और याद करने के बाद हम जिस चीज को कंठस्थ कर लेते हैं, जिस चीज के बारे में हम सीख लेते हैं, उसके बाद में हम उसकी पहचान करना सीखते हैं। तो ये हम कहाँ करते हैं, हमारे अवबोध में। जो ज्ञान हमने सीखा है हम उसकी पहचान करेंगे इसमें, या हम कहें पहचान करने के लिए हम यहाँ उसका प्रत्यास्मरण करेंगे। हमने ये चीज हमारे जो हम लेसन सीखते हैं बीएड में वहां भी हमने देखा है कि स्मृति स्तर जहाँ हमारा प्रत्यास्मरण भी होता है, यहाँ प्रत्याभिज्ञान होता है, यानी कि हम उसे यहाँ पहचान करते हैं। प्रत्यास्मरण के साथ साथ हम यहाँ प्रत्याभिज्ञान भी करते हैं, यानी कि जब हम उसे दोबारा याद करेंगे तभी हम उसकी पहचान करेंगे। तो यहाँ जब हमें उसकी पहचान करना, उसको कंठस्थ याद करना सिखाया जा रहा है, तो यहाँ हमें उस याद की हुई चीज की पहचान करवाना सिखा रहे हैं। अब देखो अवबोध स्तर, अवबोध स्तर के हमने बताया था जो प्रवर्तक है वो है मॉरिसन, जो स्मृति स्तर के उसके थे हमारे हर्बर्ट, और जो अवबोध स्तर के हमारे प्रवर्तक है मॉरिसन। इसका अर्थ हम समझे अवबोध का, तो अवबोध का अर्थ होता है हमारा समझना, समझना, यानी कि हम किसी चीज को समझते हैं, जानना, समझना और जानना, ये हमारा होता है इसमें, कि हम किस तरीके से अवबोध में हम उस चीज के बारे में समझते हैं, जानते हैं। और एक इसमें ये होता है कि जो हमारी अवबोध होता है, अवबोध के अंदर जहाँ मॉरिसन इसके प्रवर्तक थे और इसके जो तथ्य होते हैं वो तथ्य न केवल हम याद करते हैं बल्कि हम उनको क्या करते हैं, समझते भी हैं। क्योंकि याद करने का काम तो हम स्मृति स्तर में भी कर लेते हैं, लेकिन हम याद करी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं।
समझते हैं। तो ये हमारे अवबोध में होता है और अवबोध के लिए हम कहें तो शिक्षक और शिष्य दोनों इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शिक्षक उसे क्या करवाते हैं, समझाते हैं, पहचान करवाते हैं, और शिष्य क्या करते हैं, उनकी पहचान पर पहचान को वो एक्सेप्ट करते हैं कि किस तरीके से उन्हें उस चीज को समझना है, उसको वो आत्मसात करते हैं। शिक्षक जहां उसे ज्ञान देते हैं और शिष्य उसको क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, अर्थात अपने अंदर उसको ग्रहण करते हैं। ये हमारी एक इसके अंदर शिष्य की इतनी सक्रिय, दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षक की भी और शिष्य की भी। और मूल्यांकन प्रणाली में हम मुख्य रूप से जो इनके इस प्रकार के हम प्रश्न पूछते हैं, इसमें हम किसमें अवबोध में तो हम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम निबंधात्मक प्रश्न पूछते हैं। हम कहते हैं कि क्या इसके सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, क्या इसकी अवधारणा थी, इन अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से यानी हमने यहाँ देखा ऊपर स्मृति स्तर में कि हम यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मौखिक और लिखित रूप में पूछते हैं, लेकिन जब हमारी बात अवबोध की आती है तो अवबोध में कहते हैं कि हम यहाँ पर जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं बच्चों उसके बारे में हम वर्णन करते हैं, क्योंकि समझाना, अगर हम किसी चीज किसी को समझाएंगे तो वो समझाना क्या होता है, उस चीज को एक्सप्लेन करना। तो आप देखते हैं कि निबंध में हमें, निबंधात्मक में हमेशा हमें उसकी व्याख्या करनी होती है, तो ये अवबोध का जब हमें व्याख्या करेंगे तभी हम किसी चीज को समझ पाएंगे। फिर आता है हमारा चिंतन स्तर, गहन सोचते हैं हम, जहाँ पर हम इस यहाँ पर कहें कि इसको हम एक दूसरी चीज भी कह सकते हैं, हम इसको कहेंगे विमर्शी स्तर, यानी कि जिसके लिए हमने सोचा है और अब विचारा है उसका हम विमर्श करेंगे, इसके लिए इसका आ जाएगा हमारा विमर्शी, यानी कि जिसके बारे में हम सोचते विचारते हैं, दूसरा नाम। अब बच्चों इस चीज को आप ध्यान रखना कि चिंतन स्तर के साथ में हम इसका विमर्शी भी नाम दे सकते हैं। तो इसके जो चिंतन स्तर के प्रवर्तक थे वो है हंट, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, स्मृति स्तर के हमारे हर्बर्ट हैं और अवबोध के हमारे मॉरिसन्स हैं और चिंतन स्तर के हमारे हंट हैं। अब चिंतन स्तर के लिए एक चीज कही जाती है, जैसे स्मृति स्तर के लिए कहा जाता है कि ये हमारा प्रारंभिक चरण है, उसी तरीके से हमारा हम ये कहेंगे चिंतन स्तर के लिए कि ये हमारा उच्चतम स्तर होता है। चिंतन करना, जिस चीज के बारे में हम गहनता से अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये चीज होती है। और बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, चिंतन स्तर हम कब, जब हमारा चिंतन स्तर ज्यादा बढ़ेगा कब, जब हमें स्वतंत्र छोड़ा जाएगा। यहाँ हमने देखा अवबोध में कि शिक्षक और शिष्य दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन जहाँ चिंतन की बात आ गई तो हमने देखा कि यहाँ तक टीचर हमें समझा चुके हैं अध्यापक, और यहाँ चिंतन करने के लिए शिक्षक ने शिष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया, क्योंकि जब तक वो सूक्ष्म पर चिंतन नहीं करेंगे उन्हें हम स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, शिक्षक स्वयं ही अपने विचार उसको देते रहेंगे तो बच्चे कहाँ से सोचेंगे। अगर बच्चों का चिंतन स्तर हमें बढ़ाना है तो उन्हें हमें क्या करना होता है, स्वतंत्र छोड़ना होता है, और जब हम किसी को स्वतंत्र छोड़ते हैं तभी वो उस चीज के बारे में सोचता है। तो ये इसके लिए हम कहते हैं कि चिंतन हमने यहाँ याद किया, यहाँ हमने इसके लिए पहचान की या हम समझे उसके बारे में, और समझने के बाद में हमने क्या किया उसके बारे में, चिंतन किया कि क्या हमने जो सीखा है क्या ये हमारे लिए सही है। तो ये हमारा चिंतन स्तर में आता है, विमर्शी स्तर में आता है। अवबोध को हम कह सकते हैं इसमें कि हम जिस चीज के बारे में, ये हमारी शक्ति होती है, अवबोध भी हमारी क्या है, शक्ति है। तो इसके लिए कहते हैं कि कक्षा कक्ष का जो वातावरण होता है हमारा, वो वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है, किसमें, चिंतन स्तर में। कक्षा का जो स्तर है, कक्षा का स्तर कैसा होता है, मुक्त या स्वतंत्र, मुक्त व स्वतंत्र, क्योंकि इसमें शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ते हैं जिससे बच्चे उसके बारे में सोचे और समझे। ये हमारी इसमें इस तरह से होता है कि ये जो स्तर होता है ये हमारा विचारशील स्तर है। चिंतन के लिए मैंने बताया आपको कि हम जिसमें विचार विमर्श, क्योंकि नाम भी दिया है इसका बच्चों विमर्शी, यानी कि जिसके लिए हम विचार करते हैं, ये हमारा विचारशील विचारशील स्तर होता है, जिसमें हम जो हमने विचारों को समझा है, जिनको याद किया
शिक्षण के कौन से स्तर होते हैं, शिक्षण के स्तर के कौन कौन से प्रवर्तक हैं, ये सब मैंने आपको बताया है, इसे ध्यान से देखें। धन्यवाद।